इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में जो इलेक्ट्रिक पोल आखिरी में इंस्टॉल किया जाता है या फिर जो इलेक्ट्रिक पोल को आखिरी में इरेक्शन किया जाता है उसके साथ स्टे वायर को फिक्स किया जाता है और जो वायर है उसे स्ट्रिंग किया जाता है। आज हम एक स्टे वायर को कैसे स्ट्रिंग किया जाता है या फिर एक स्टे वायर को कैसे पोल के साथ फिक्स किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आशुतोष इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट एस वी जेड ए नाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ये जो ओवरहेड कनेक्टर है उसे हम रीस्ट्रिंग करेंगे और इसके लिए ये जो पोल है उसके साथ एक स्टे वायर को कनेक्ट करेंगे। अभी आप एक वीडियो देखेंगे जहां पे स्टे वायर को कैसे प्रिपेयर किया गया है और कैसे एक इंसुलेटर को कनेक्ट किया गया है उसके बारे में जानेंगे। स्टे वायर प्रिपेयर होने के बाद पोल के साथ एक स्टे क्लैंप को कनेक्ट किया जाएगा, उसके साथ स्टे वायर को कनेक्ट किया जाएगा और बीच में रहेगा स्टे इंसुलेटर जिसे एग इंसुलेटर भी कहते हैं। ये है वो स्टे जो पोल के पास इरेक्ट किया गया था, उसके साथ स्टे बो के माध्यम से स्टे वायर को पोल के साथ कनेक्ट किया गया है। और ये है स्टे का कंप्लीट अरेंजमेंट विथ इलेक्ट्रिक पोल। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू एंड अप इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर एपिसोड ऑन फिक्सिंग ऑफ स्टे सेट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन आस्क मी बाय कमेंट विथ प्रीफिक्स #SBZANATH। फॉर नॉलेजेबल वीडियोज एंड ब्लॉग you can check the link in the description. For more videos related with electrical talk and electrical architecture, you can click on iCards and also watch these suggestion videos. Till then, subscribe, like and share Ashutosh Electrical Architecture. Thank you.